तो अभी बजे हैं रात के 10:30 और फाइनली हमारा मुहूर्त आ गया है राइड पे जाने का। और सुबह 5 बजे हम हमारी राइड स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोचा कि रात को ही 2-3 बैग्स है जो लगा देते हैं, वरना सुबह क्या होता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उस चक्कर में, और 1-1.5 घंटा है ना बैग बांधने में निकल जाता है। तो सोचा कि चलो अभी रात को ही थोड़ा टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं और बैग बांध लेते हैं। और टॉप ऑफ दैट, मैं जब इतनी मेहनत से सब लास्ट मोमेंट की पैकिंग कर रहा था, तो हमारी सजनी मैडम बैठ के टीवी देख रही थी। तो मैंने सोचा कि जरा यार उसको थोड़ा सा काम करवाते हैं। तो सजनी, हम ये काम करवा रहे उसके पास से, इसको अभी फिलहाल कूली बनाया हुआ है, क्योंकि मैं बाइक पर राइड करने वाला और ये घर पे बैठे बैठे टीवी देख रही थी। तो मैंने सोचा कि चल तू सामान लेके आ। अब ये आने वाली है मेरे साथ बाइक पे बांधने के लिए, क्योंकि कल जाके अगर ये भी राइडिंग स्टार्ट करेगी तो पहले से इसको तैयारी होनी चाहिए ना कि ऐसे सारा सामान करना है। हालांकि हमारे पास रैंप भी है लेकिन पता नहीं कहाँ गया। लकीली पता है दोस्तों ये है कि हमारी बिल्डिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे पास ना ऐसे ट्रॉली मिल जाती है, आपको बिग बाजार के टाइप में होती है ना, इतना इजी हो जाता है ना सामान लेके आने के लिए। अगर आपकी बिल्डिंग में नहीं है ना तो एक लगवा दो, बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा काम आता है। तो अभी चलते हैं बाइक पे और सामान लोड करते हैं। दोस्तों अभी बजे है सुबह के 8, 5 बजे से हम लोग जेजे के स्टोर पे है, 3 घंटे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा खास बड़ी बताएगा, मेरे भाई हम 3 घंटे से जेजे के स्टोर पे क्यों खड़े? तू ही बता यार, बता बता मेरे भाई का चेहरा कितना उतर गया, मतलब देखो ऐसे टपक रहा है चेहरा। जेजे बताएगा, जेजे हम क्यों खड़े 3 घंटे से तेरे स्टोर पे? अरे यार मेरी फोन की बैटरी गई, पता नहीं आईफोन में बैटरी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सुशील की जो गोप्रोस थे, गोप्रो 8 एंड गोप्रो 11, उसकी बैटरीज कहीं गिर गई है। कल रात तक बेचारे बंदे ने फुल चार्ज किया और उसको अच्छे से पैक किया कोई हार्ड बॉक्स में, और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो पैकिंग कर रहा था तो गलती से वो कहीं मिसप्लेस हो गई। बेचारा वो रहता है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, दोबारा गए हम लोग उधर, पूरा घर छाना, पूरे रास्ते छाने, लेकिन कहीं भी वो बैटरीज नहीं मिली। तो हम लोग अभी पूरा बैग्स हम लोग ने खोले, पूरा अनलोड किया, चेक किया, टॉप बॉक्स चेक किया, कार्बन आडोज दोनों चेक किए, टेल बैग चेक की, कहीं भी बैटरीज मिल नहीं रही है। तो फिलहाल हमारा दोस्त है एडी, उसको फोन किया हम लोग ने और उससे मांगी है बैटरीज, अभी देखते हैं कि कब आने वाली है। जैसे आएगी उसके बाद राइड स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, राइड के पहले दिन ये सब चीजें होती रहती है और अच्छी बात होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बलाएं होती है, जो मानते नहीं मानते, जो भी, मैं तो नहीं मानता, लेकिन जो भी ये आफतें होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो सब टल जाती है। और कोई बात नहीं, हम आराम से जाएंगे दिन के उजाले में, और वैसे भी मौसम पूरा क्लाउडी हुआ पड़ा है। हम लोग अभी बैटरीज की जुगाड़ में लगे, जैसे बैटरीज की जुगाड़ खत्म होगी और हम लोग निकलेंगे हमारी डे 1 की राइड पे। डे 1 के एक्सपीरियंस, अभी 50 दिन की राइड बाकी है। हाउ इज योर डे 1 एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग खराब हो गया ना? स्टार्टिंग खराब नहीं हुआ है, एक बैटरी नहीं है, एक भी प्लस 2-5 बैटरी। अभी रिसेंटली लिया था 2 बैटरी 11 का, सब साथ में चला गया, तो टेंशन नहीं आएगा। इट्स ओके, आई वी कैन अंडरस्टैंड, बट इसमें टेंशन लेने का नहीं। तेरे भाई के पास 2 बैटरीज है, 2-3 बैटरीज और एडी से या कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, उसके बाद अपने चलेंगे। देखो बाइक कितनी खूबसूरत लग रही है दोनों की, फुल्ली लोडेड बाइक। एंड बस ये हमारा पावर थ्रोटल, हमारा घर छूट ही ना रहे, तो घर छोड़ के आए हम सुबह 5 बजे दूसरे घर पे बैठे हुए पावर थ्रोटल पे। जेजे का प्यार मोहब्बत इतना है कि साला जाने ही नहीं दे रहा। जाने क्यों नहीं दे रहा है? बस नहीं जाने का, गाड़ी इधर रखी। ऐसे नहीं जाने का क्या होता है भाई? बड़ोड़ा में सोना है ना, बड़ोड़ा में घर की चाबी नहीं है, सामने में से मांगना पड़ेगा मम्मी को बोल के। हम लोग घर जा रहे हैं, मम्मी बोलेंगे रुक जा, हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। वो लोग कब जाने वाले हैं? आज सुबह। मेरे ख्याल से वो लोग निकल भी गए होंगे। हमसे पहले वो लोग पहुंच गया। चल कोई नहीं यार, टेंशन नहीं, सब फन एलिमेंट है, मजा है। तो कोई बात नहीं, हम इसके सेटिंग में लगे हुए हैं, बने रहे वीडियो के साथ और टेंशन नहीं है। हम लोग राइड कैरी ऑन करेंगे और रास्ते में जैसे स्टार्ट करेंगे मुलाकात करते बात करते रहेंगे, और ऐसा चलती रहती है यार चीजें। और अगर आपके साथ कभी ऐसी लाइफ में हुई है कि राइड के दिन या उसके पहले कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ इशू आई है या कुछ कांड हुआ है, तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, शेयर करो एक्सपीरियंस, जिससे पता चलेगा कि लोगों के साथ कैसे कैसे कांड होते हैं। चलो देन गाइस, बने रहे वीडियो के साथ और मुलाकात करते आगे। बाय बाय।
वेलकम बैक टू माई चैनल वन माइल मोर विद जैमिन एंड सजनी। और अगर दोस्तों आप ये चैनल पे नए हो और आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जैमिन आपका स्वागत करता हूँ। सो आज फाइनली हम हमारी डे वन की जर्नी पे निकल चुके हैं जो है फ्रॉम सूरत टू उदयपुर। हालांकि अभी बजे है सुबह के 11, हम लोग ने तकरीबन 9:30 बजे सूरत से स्टार्ट किया। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट, लेकिन हमने भरूच क्रॉस कर लिया है और हमने 1.5 घंटे में कवर किया है जो काफी अच्छा टाइम है। वेदर इज वेरी नाइस, थोड़े से बादल हुए थे, बीच में बारिश गिरी थी, लेकिन हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही है तो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बाइक चलाना, क्योंकि ऊपर से इतनी लोडेड बाइक है, हमारी पहली एक्सपीरियंस है इतनी लोडेड बाइक के साथ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आज के दिन में हमको उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा है जो हमारी यूजुअल जगह। अगर आपने मेरी आईपीएल वाली सीजन देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी जगह पे रुकता हूं, और अगर आपने नहीं देखी है तो हम रुकते हैं हमेशा यहां ऑनेस्ट जो आता है करजन में, जो तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है सूरत से, और ये हमारा रेगुलर अड्डा है। और हम जाते हैं हमेशा की तरह टीपोस जो है हवे नाम लिदु छे तो पीता जो जो अपन चाय नहीं, आज रेडबुल पियेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है। एंड बस अभी यहाँ से फटाफट एक दो रेडबुल मारेंगे और आगे निकलेंगे। हालांकि उदयपुर जाने के दो रास्ते हैं, एक है सीधा जो जाता है अहमदाबाद की तरफ से, हम ले रहे हैं राइट, इसको बोलते हैं गोल्डन चौकड़ी, जो जाता है दाहोद होते हुए गोधरा वाले रास्ते पे। हम लोग ने लिया हुआ है दाहोद होते हुए गोधरा वाला रास्ता, क्योंकि ये जो साउथ गुजरात से आने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट रास्ता रहता है, जहां आप अहमदाबाद का आउटस्कर्ट मतलब अहमदाबाद सिटी को आप बाईपास करके आप जा सकते हैं, यहां से सीधा आपको उदयपुर मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़ौदा या अहमदाबाद की तरफ से भी जाना चाहते हैं तो वहां से भी रास्ता जाता है। हालांकि डिस्टेंस ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किलोमीटर्स में, लेकिन थोड़ा सा टाइम में आपको फर्क पड़ जाता है। तो फॉर बॉम्बे की तरफ से आने वाले लोगों के लिए ये रूट बेस्ट है, और बड़ौदा अहमदाबाद की तरफ से जाने वाले के लिए वो वाला रूट बेस्ट है। अभी आगे मिलते हैं, देखते हैं कौन सा रास्ता हम आगे लेने वाले और आगे क्या एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। सी यू देन गाइस, आगे मिलते हैं, बाय बाय। दोस्तों आपको पता है कि रास्ते का एज अ ब्लॉगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दोस्तों की ड्रोन की बैटरी उतर जाती है और उसकी वजह से चालू राइड रुकना पड़ता है, 10-15 मिनट इसमें बर्बाद हो जाते हैं, सारा गैस निकालना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा पेन इन द एस है, एस और सुशील। ओके दोस्ती दोस्त को काम आता है, मैंने अपनी बैटरी उसको दी हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी ट्राई करेंगे मॉन्स का उदयपुर खींचने के लिए, और वेदर अमेजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बीच में बारिश थी, अभी एकदम क्लियर हो गया है और रास्ता एकदम साफ है, अब तो भगा के जाने वाले। और कंटिन्यू हम लोग हमारे ब्लू आर्मर के साथ ब्लूटूथ का मजे लेते हुए, टेस्ट करते हुए और बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ, आगे क्या अपडेट होता है, क्या मिलता है कुछ नया जानने के लिए, और कौन सा मोड है या कौन सा टर्न है जो आपको मिस नहीं करना है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर। तो ये है होटल तृप्ति, कहाँ गया ये रहा, यस ये आता है गोधरा बाईपास हाईवे पे, एंड जो इंदौर वाला जो रास्ता कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है दोस्तों, अगर बातचीत करने में बिजी रहोगे और ये जंक्शन मिस कर दोगे और सीधे चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे अहमदाबाद। अहमदाबाद वाला हाईवे वाला आ जाएगा आपके पास रास्ता, ये देखो यहाँ से वडोदरा जो 72 दिख रहा है, और ये रास्ता जाता है इंदौर वाला रास्ता, जो आगे से कनेक्ट होगा शामड़ा जी, और शामड़ा जी से होगा उदयपुर। यहाँ से शामड़ा जी इज 140 किलोमीटर, और यहाँ से उदयपुर इज 265 किलोमीटर, 4 घंटे का रास्ता और बता रहा है। सो मेक श्योर दैट कि आप ये टर्न ना भूलो, और बस आगे बढ़ते हैं। एंड अब तो रास्ते मजे वाले आने वाले, खाना खा लिया है पेट भर के, फुल ऑन एनर्जी आ गई है। तो अभी ये शामड़ा जी वाले रास्ते में रॉकी भाई दिख रहे, देखो एल्डोराडो में ये रॉकी भाई जा रहे, रॉकी भाई सलाम, रॉकी भाई करके आते, चलो आगे। हमारे इधर भी सब टशन मारे तो है ना, सुशील है क्या अंदर, रॉकी भाई है, बहुत काला कांच है दिख नहीं रहा है, देख दिखा क्या रॉकी भाई, अच्छा समुद्र में, हाँ रॉकी भाई समुद्र में। उदयपुर 191 भैंस है, भैंस बम्प बम्प बम्प, बीच में है, ए डॉगी है, दिन में बहुत सेक्सी लगता है रास्ता, ये मेरा फेवरेट रास्ता है उदयपुर आने के लिए, मैं ये रास्ते के लिए तरसता हूँ, डाल देता हूँ स्पोर्ट्स में। आ गया स्पोर्ट्स आ गया, ये देखो एक्सीलरेशन देखो, ओ माय गॉड, स्पोर्ट्स में चला क्या मजा आता है यार, ये हे, 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 हे,
राजस्थान के रास्ते यार इसके लिए तो फेमस है सुशील, क्या खतरनाक रास्ते राजस्थान के यार, बटर स्मूथ रास्ते, बटर स्मूथ। और क्या परफॉर्मेंस दे रही है बाइक, ये देख तो सही, कातिल निकल रही है बीच में से। ये देखो, ये ज्यादा नहीं गया, 169 गया। नहीं ज्यादा जाने का नहीं, अपने को अगस्त्य चौधरी नहीं बनने का है, और हम लोग अच्छे राइडर्स है, रिस्पॉन्सिबल राइडर्स है, हमको ज्यादा बाइक नहीं भगानी है, हमको कंट्रोल में बाइक चलानी है। ये तो जस्ट एक अपने को स्पोर्ट्स मोड ट्राई करना था, इसलिए इतनी भगाई, बाकी 110 115 के ऊपर नहीं जाना है, और राइड रिस्पॉन्सिबल करना, यही तो मोटो है अपना, कि भाई अपने को दूसरों को भी यही सिखाना है कि फालतू में भगाना नहीं है, हीरोगिरी करनी नहीं है, चाहे बाइक का कैपेसिटी हो, लेकिन एक छोटा सा एरर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, इसलिए सब चीजें करने की ही नहीं है, आराम से चलाओ और दूसरों के लिए भी एक अच्छा एग्जांपल सेट करो। बजे है 10:45 रात के, और हम लोग अभी कोई होटल में रुके हुए, होटल का नाम मैं भूल गया हूँ, और मतलब वो कल सुबह ही बताऊंगा, क्योंकि एक तो इतनी ज्यादा तेज बारिश थी जब निकले, तब दोपहर को बहुत तेज गर्मी, और जैसे राजस्थान एंटर किए तब बहुत ज्यादा बारिश थी, तकरीबन 100-125 किलोमीटर हम लोग ने बारिश में एक बाइक चलाई है, पूरे गीले हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थके हुए थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में इतना ट्रैफिक जाम था कि डिवाइडर कूदा के हम लोग उल्टे रास्ते जाके हम लोग कैसे भी करके मैनेज करके, लेकिन हालांकि होटल बहुत अच्छी है, नाम मैं कल सुबह आपको साथ शेयर करूंगा। तो हम लोग यहाँ पहुंचे, अभी जस्ट खाना खाया और आज हम सो जाएंगे, और हमने डिसाइड किया कि कल स्टे करेंगे उदयपुर में और बैठेंगे, क्योंकि सब कुछ गीला है यार। इफ आई कैन शो यू द रूम, ये देखो ये हमारे रूम की हालत है, बाकी रूम बहुत अच्छा है, वो मेरा बड़ी सो रहा है, ठीक है, ये गीला है, ये गीला, जितनी भी चीजें दिख रही है ना ये सब गीली हुई पड़ी है, तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। एंड रूम काफी अच्छा है, 2500 रुपीस टैरिफ है इसका, विद एसी रूम एंड 3 बेड्स है, और नाम मैं कल बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ने पूछा ही नहीं, हमने एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया, हम बस गाड़ी मोड़े और चढ़ा दी और अंदर सीधी पार्क कर दी, सामान निकाल दिया, उसके बाद बात करने गए कि रूम अवेलेबल है कि नहीं। सो एनीवेज कल अपडेट करता हूँ बाकी की चीजों के स्टेटस के बारे में, कि हम कब निकलने वाले, क्या करने वाले। एंड बस आज की राइड बहुत अमेजिंग थी, बहुत मजा आई, थोड़ा सा लेट हो गए थे निकलने में, नो डाउट, बट हम पहुंच गए उदयपुर। एंड बस बने रहे वीडियो के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये सीरीज में आने वाली बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे एडवेंचर से भरपूर होने वाली है, एक भी वीडियो मिस ना करें, एंड सपोर्ट करें, प्यार बरसाएं, और बस चलो फिर नए वीडियो में मुलाकात करते हैं, विद एक नए सफर में, एक नई जर्नी और नए लोकेशन पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।